अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, दिस इज़ योर इस्लामियात लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, लेसन नंबर 2, जो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। आज उसका हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे। ओके, ओपन योर बुक्स, सुल्तान चैप्टर नंबर 5, लेसन नंबर 3, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस्लामियात जमात, सॉरी हफ्तम, हाँ जी हफ्तम ही है, सेवन्थ। ओके स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, उनकी मैंने बुक रीडिंग में से ही मार्किंग करवा दी है। अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके फ़ौरन होमवर्क नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से देखकर मार्किंग कर लें, उसको सुन लें जो मैं पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद मार्किंग की होगी तो इसको आप आराम से होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन अलिफ बे मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, आज हम क्वेश्चन जीम पढ़ेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के हर दिल अजीज़ होने की वजाहत करें, मतलब वो हर दिल अजीज़ क्यों थे? आप रहमतुल्लाह हो हुक्मरान होते हुए भी फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते थे। आप रहमतुल्लाह बेक वक्त मिस्र, शाम, बहरीन, यमन और अफ्रीका के बाद सूबों के हुक्मरान थे, लेकिन एक खेमे में रहते थे। वो खेमा उनके लिए महल से कम ना था। आप रहमतुल्लाह तहत से ज़्यादा घोड़े पर बैठना पसंद करते थे। दरबारियों से ज़्यादा अपने मुजाहिदीन में रहना पसंद था आपको। आप रहमतुल्लाह एक बहादुर सिपाही, लायक जरनेल और अथक फरमानरवा थे। इसी बिना पर आप रहमतुल्लाह मुसलमानों के हर दिल अजीज़ हुक्मरान समझे जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी दाल। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह नामवर और नडर मुजाहिद थे। वजाहत करें कि सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर और नडर मुजाहिद थे, इस चीज़ की वजाहत करें। यहाँ से पढ़ेंगे, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुसलमानों को जिहाद फी सबीलिल्लाह का भूला हुआ सबक याद दिलाया। काजी इब्ने शद्दाद, जो सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दौर का नामवर मोरख था, ने इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश किया। वो बड़ा कवि दिल, मतलब खुले दिल का मालिक, बारोब, बहादुर, बेमिसल, जिसकी मिसाल और शुजा और हद दर्जा का साबित कदम था। मोहनजोई और कोई मुसीबत उसे डरा नहीं सकती थी। ईसाइयों के साथ सत्य सद मुकाबलों की वो कुछ परवाह नहीं करता था। मौसम सरमा की शदीद सर्दियों में वो जंग और हमलों में मसरूफ़ रहता था, और कलील फ़ौज, ज़्यादा तादाद फ़ौज के साथ कसीर फौज का मुकाबला, मतलब अपनी फ़ौज अगर कम होती मुकाबला करने से नहीं घबरा आता था, बल्कि दुश्मन फौज की कसरत सुल्तान का हिस्सा बढ़ाती थी। कि अगर दुश्मन की फौज ज्यादा होती तो सुल्तान सलाहुद्दीन का हिस्सा, वो सॉरी हौसला और ज्यादा बढ़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे, ये देखें छोटा सा इसका आंसर है। आप रहमतुल्लाह पहले मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने यूरोप के ईसाइयों को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस फ़तह किया। इस तरह 90 साल के बाद बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों का दोबारा कब्जा हो गया। ये स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसी में है, और बाकी दो क्वेश्चन भी फर्स्ट पेज के ऊपर ही मौजूद हैं शायद। ठीक है, आप इनको बुक से फाइंड आउट करके मार्किंग कर लीजिए और फिर बाद में इसका होमवर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मुख्तसिर जवाब दें। मुख्तसिर जवाब आप बेटा आपने खुद ढूंढने हैं, इसमें से कुछ यहाँ पर रफली लिखे हुए नज़र भी आ रहे हैं आपको। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? यूसुफ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह के वालिद का नाम क्या था और वो किन के यहाँ मुलाजिम थे? फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा। किस मोहरा ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश किया? अभी मैंने क्वेश्चन दाल में आपको पढ़ाया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह किन की बेपनाह कदर करते थे? ये यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, इलम और अहले इलम वालों की बेपनाह कदर करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में किस तरह के लोग जमा रहते थे? इसका भी आंसर ये लिखा हुआ है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में अहले दानिश जमा रहते थे। नेक्स्ट है, खाली जगह पूर करें, इसको अपनी बुक के ऊपर सॉल्व कर लें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम डैश था यूसुफ। ये देखें पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आंसर मिल गया आपको। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह डैश में पैदा हुए 1138 में। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम डैश था नजमुद्दीन अयूबी। ये दूसरे का भी मिल गया, सेकंड वन का। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का नाम और मोरे कौन था? काजी इब्ने शद्दाद। ये लंबा सारे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर इसमें मौजूद है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने डैश की वफ़ात पर शेर कहे, भाई की वफ़ात पर।
दुरुस्त जवाब पर गुड का टिक्का निशान लगाएं। दुश्मन फौज की कसरत, मतलब ज़्यादा तादाद में दुश्मन की फौज होना का सुल्तान सलाहुद्दीन अहमदुल्लाह पर क्या असर होता? हौसला पस्त होता, हिम्मत हार जाते, हौसला बढ़ जाता, उदास हो जाते, हौसला बढ़ जाता। बे, वफात के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह के पास कितने दिरहम थे? 47, 57, 97, 99, 47, मतलब 47। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह के वालिद किस हुक्मरान के मुलाजिम थे? किसके मुलाजिम थे उनके वालिद? उमर बिन अब्दुल अजीज़, हारून रशीद रहमतुल्लाह, अम्मादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह, अमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह के। दाल, तिलावत कुरान मजीद सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह पर कैसी कैफियत तारी हो जाती? रंजीदा हो जाते, मतलब गमजदा, बहस करना शुरू कर देते, फूट फूट कर रो पड़ते, बेहोश हो जाते, फूट फूट कर रो पड़ते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह को किस चीज़ से राहत मिलती थी? सुकून मिलता था, खुशी मिलती थी, माल और दौलत से, फतह से, फयाजी से, इबादत से, फयाजी से, मतलब दिल खोल कर दूसरों की खिदमत करने से। डायरी डू होमवर्क ऑफ 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर रजिस्टर। आपने इन तीनों, 2 का मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था, उसी के नीचे आप बाकी ये 3 क्वेश्चन आंसर्स का होमवर्क करें, और फिर उससे नीचे आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होमवर्क करना है। मतलब एक ही आपका वो बन जाएगा, क्वेश्चन 1, 2, उसी से नीचे 3, 4, 5, और फिर आगे उसके नेक्स्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो है वो होमवर्क करना है रजिस्टर पर। सॉल्व एक्सरसाइज ऑन बुक पेज नंबर 95, 96, और ये MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स हैं बुक के पेज नंबर 95, 96 पे, इनको आपने सॉल्व करना है के ऊपर। लर्न द कंप्लीट वर्क, और ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। बहुत इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।